थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें भी हो जाएं एक जो लोग सॉकर के फुटबॉल के जिसको कहते हैं फुटबॉल के शौकीन हैं उन्होंने देखा होगा ये खबर बड़ी छाई हुई है पूरी दुनिया में यूरो कप हो रहा है क्योंकि मैं इधर इंग्लैंड में हूं तो इसलिए मुझे भी पता चल गया इसका क्योंकि इधर इंग्लैंड में बड़ी फुटबॉल मैड नेशन है ये तो ये खबरों में आ रहा हर जगह पे बीबीसी में ये कहा हो गया ये कहा हो गया तो

और तकरीबन चार बिलियन डॉलर के जो शेयर जो है, तो है। बेटा <laughs> तो वो उन्होंने रखी हुई वहां पे इसीलिए थोड़ा सा स्पॉन्सर इसी तरह करते हैं अब जैसे आपकी इंडिया का मुझे नहीं पता इंडियन क्रिकेट टीम के आजकल कौन है स्पॉन्सर है वो पेप्सी विराट कोहली फर्स्ट करें ऐसे उतार के ना अपने यूनिफॉर्म से उतार दे एकदम कहे नहीं क्योंकि विराट कोहली भी बड़ा वो आ, हेल्थ कॉन्शियस है तो वो कहे नहीं तो कितनी नुकसान होगा पेप्सी की मार्केट को इंडिया में तो उसी तरह पाकिस्तान के भी मैल जो स्पॉन्सर है वो आ, वो पेप्सी है खैर हमारे बाबर आजम बेचारे तो नहीं खैर इतने कर सकते होंगे तो उसी तरह बहरहाल उन्होंने किया रोनाल्डो इतना बड़ा नाम है तो उसके पता नहीं तीन सौ मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वगैरह वगैरह तो उस उसपे चार बिलियन डॉलर का बैठे बैठा नुकसान हो गया तो मैंने कहा चले ये मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं मैं लेकिन मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूँ <laughs> उसके बाद हमारे एक मोमिन भाई ने भी वही शरारत करने की कोशिश की कि रोनाल्डो के बाद जो पॉक है जो कि पॉल पॉक जो एक मुसलमान फुटबॉलर है उन्होंने कहा कि नहीं कोको कोला की खैर है ये बियर जो है हाइना कन थी मेरा ख्याल कौन सी बियर थी हाँ हाइन हाँ को उन्होंने हटा दी उन्होंने कहा अपने ना मजहब की बात अब इसमें कहने की बात है लोग कहेंगे भी क्या हुआ डोनाल्डो ने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं इसमें कौन सी ऐसी बात है आपको याद होगा उस्मान ख्वाजा के साथ विक्टोरिया बिटर एक ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी एक वो बियर की कंपनी है लोकल ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली है विक्टोरिया वीबी तो वो क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर थे पता नहीं आजकल भी हैं या नहीं है तो की उसको कर दिया। अब को भी किया जा सकता तो अल्कोहलिक की बात बात हो रही है तो उस्मान ख्वाजा ने कहा कि भाई मैंने ये जो बैज है ना मैंने नहीं पहनना और वो जो इस्लामो गोरे हैं जो बड़े इस्लाम से मुसलमानों से नफरत करने वाले हैं जिन्होंने उनको खिलाया अपनी टीम में उन्होंने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं आप मुसलमान हो आपको हम ये रियायत दे, दे देते हैं आप उस पे। वो का जो, ए, का जो तो ने ये क्या किया जी, उन्होंने कहा कि मैं भी उठा दूं अब इस पे हटा दूं ऐसी ड्रामेबाजी हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उन्होंने, वो, वो, उन्होंने यूरोपाई यो है सा भी कप पाई है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी है किसी को हटाने की इजाजत नहीं है और रोनाल्डो ने तो चलो एक अच्छा काम किया एक लिहाज से उसकी उसका इंटेंट पीछे अच्छी थी उसकी इंटेंट ये थी कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है जो कि एक अच्छी बात है ठीक है आप हालांकि नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके आ, आप इतने जो जो इंजॉय कर रहे हो इतना लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहे हो ये स्पॉन्सर्स की वजह से करते हो आप लोग इंजॉय तो बहरहाल अब जब बंदा बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर वो दलाई लामा भी बन जाता है तो और वो सेल्फ राइचियस और क्या कहते हैं यानी ना खुद ही के अच्छे बड़े बड़े ख्याल इजहार करने लग जाता ठीक है हक हाँ है बंदे के पास लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है एथिकल नहीं है ये काम तो आप उसकी फिर भी इज्जत कर सकते हैं कि चलो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि मुझे कोका कोला को नहीं पसंद मुझे पेप्सी पसंद है पेप्सी रख दे सामने फिर आप कहते हो ये क्या चपले मार रहे हो लेकिन पॉल पोगबा ने इसीलिए हम कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मजहब है जो हर जगह पे टांग घुसा देता है हर जगह पे अब आपने बियर नहीं पीनी ना पियो पी आप स्पोर्ट खेल रहे हो जो कि इस्लामी नहीं है ये चटिया पहन के बॉल के पीछे भाग रहे हो ये कहां का इस्लाम है ये किस इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है इजतहाद के थ्रू आप इसको डिफेंड कर लोगे लेकिन ये कहां से इस्लाम इस्लाम में दिए हैं कि घुड़सवारी अच्छी चीज है जो मर्दाना खेल है मुफ्ती बोलो भाई बोलो को सुनो ना कहते हैं क्रिकेट की किस फजूल सी गेम है फुटबॉल कितनी फजूल सी गेम वहां पर चल जाएगा काम क्योंकि पैसे आ रहे हैं डॉलर बन रहे हैं शोहरत मिल रही है वगैरह वगैरह

इसराइल के साथ नफरत की वजह से नहीं नहीं ये वजह नहीं उसने एक्वा से पानी को कहा उसने कहा सेहत की वजह से पानी जो है सेहत के लिए ज्यादा अच्छा तो उसने पानी के हिसाब से सेहत के हिसाब से कहा अब रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर है आप हाँ, अगर पॉल भाई ये कहता कि शराब आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो यू you नो know, मैं कहता ओके आई रिस्पेक्ट इट यानी ये उसी इक्वल पे है रिस्पेक्ट फिर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात भी नहीं की जा सकती रिस्पेक्ट क्योंकि ये है तो अनएथिकल काम भाई पैसे ले रहे हो आप उनसे आपका जो जो ऑर्गेनाइजर है वो उससे पैसे ले रहा है जिसकी वजह से आप इतने बड़े सुपरस्टार बने हुए एथिकल तो ये किसी भी सेंस में नहीं है लेकिन अगर आप प्राइवेट कैपेसिटी में कहते तो हो सेहत के लिए अच्छा नहीं आई कुड से ओके यू नो इट्स अ गुड थिंग और अगर उसी तरह अगर कहते शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं है फिर भी हम कहते लेकिन मजहब क्यों अपना ठोपना है तुमने हमें। ये सिर्फ मोमिन के अंदर ये, ये क्रीड़ा होता जितना प्रमोशन पड़ी रहती तब नहीं होता जितना अब हो गया रोनाल्डो पुअर मोमिन प्लेयर आम एम डिस्काउंट ऑन शेयर हाँ हाँ ये भी बात ठीक है ये भी एक बड़ी लेवल की मनिपुलेशन होती है पता नहीं क्या क्या लेवल होता है जब जब अब मिलियंस भी नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर एट स्टेक हो जब बिलियंस ऑफ डॉलर तो पता नहीं क्या क्या लेवल होता होगा क्या गेम होती होगी Uh, I'm not saying is uh, uh, generally मुझे conspiracy theory पे आपको पता है कि यकीन नहीं होता मैं नहीं कह सकता ये कि कोई कोई अंदर खाने कोई किसी ने चुपके से कान में कहा होगा किसी ने डिस करो शेयर नीचे जाएंगे हम शेयर खरीदेंगे फिर ऊपर चले जाएंगे इंजॉय इंजॉय सो so, uh, जैसे वो इलॉन मस्क ने बिटकॉइन के मार्केट क्रैश की भी है तो uh, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसने जान के किए ताकि प्राइसिस नीचे आए वो खुद बहुत सारे बिटकॉइन खरीद लो फिर बिलियन यू नो कितने टेंस ऑफ ऑफ का फायदा हो जाए सो so, पता नहीं क्या क्या होता है भाई हमें क्या पता हम तो छोटे लोग हैं मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं